मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है, जिसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। मध्य प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, जिसके चलते प्रत्याशी अपनी अपनी बड़ी जीत के रूप में इसे देख रहे हैं। वहीं बात करें मंडला जिले की बिछिया विधानसभा की, तो इस बार यहाँ 82% से ज़्यादा मतदान हुआ। रिकॉर्ड तोड़ मतदान को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर कमलेश तेगाम और कांग्रेस के पूर्व विधायक तुलसीराम घुमकति बिछिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ऐतिहासिक जीत का दावा किए। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मैं हूं सलीम खान। आज देखना यह होगा कि मंडला जिले में सभी विधानसभाओं पे बम्पर वोटिंग हुई है, और बम्पर वोटिंग होने के कारण भी है कि या तो फिर सत्ता पक्ष का विरोध है, उसको वोटरों ने अपने बम्पर वोटिंग के जरिए अपना गुस्सा दिखाया है या और कुछ है। तो हमारे साथ हैं प्रत्याशी कमलेश तेकाम जी, जो बिछिया विधानसभा से हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कैसा आपका रुझान क्या है बिछिया विधानसभा का। देखिए, रुझान तो इस बार जो वोटिंग हुई है 82% समथिंग बिछिया विधानसभा में, तीनों विधानसभा से ज्यादा हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी ऐसी वोटिंग होती है पढ़कर, तो सत्ता पक्ष के खिलाफ ही जाते हैं। और यहाँ पे ये स्थिति है बिछिया विधानसभा में कि जो वर्तमान विधायक हैं वो विपक्ष वाले हैं और सत्ता पक्ष भाजपा रही है। तो ये आकलन किया जा सकता है जिस हिसाब से वोटिंग हुई है कि ये दोनों के खिलाफ है, और जितने जो नए वोटर जुड़े हुए हैं वो एक नया देखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी पिछले लगभग 35 साल से यहाँ परिवर्तन होता ही है। तो इस बार भाजपा का भी वो रहा नहीं, और जो सिटिंग MLA है वर्तमान में उनका पूरा कार्यकाल देखा सभी ने, तो कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि उनको जनता वोट दे, इसलिए उनको भी नकारना की ज्यादा संभावना है। इसलिए रुझान इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ है। जी, हमारे साथ हैं पूर्व विधायक कांग्रेस तुलसीराम धूमकेतु जी, और अनुभवी भी हैं और चुनाव लड़ चुके हैं, जीत कर भी आए हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे कि बिछिया विधानसभा की जितनी भौगोलिक स्थिति के बारे में उनको अनुभव है, शायद किसी को हो, तो उनसे जानना चाहते हैं क्या है, कैसा रुझान क्या जा रहा है। महोदय जी, बिछिया विधानसभा क्षेत्र का रुझान तो ये है कि हमेशा जब भी वोटिंग ज़्यादा होती है तो एक तो सत्ता पक्ष के विरोध में होती है, और जो सिटिंग जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो, जो सिटिंग शब्द आ जाता है, तो सिटिंग जो पदाधिकारी हैं वो जनता कई प्रकार के समस्याओं से जो है उनके पास आवेदन निवेदन करते हैं, और वो नहीं कर पाते तो चुनाव के समय उसका बदला जो है जनता लेती है। तो सिटिंग MLA प्लस सत्ता, इनके विरोध में बम्पर वोटिंग हुई है, और बम्पर वोटिंग का कारण है बदलाव, नया चेहरा चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और जहां तक बिछिया विधानसभा में जो चुनाव हुए हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का लहर थी, बहुत से वरिष्ठ कांग्रेस जन बिछिया में खास तौर पे लगभग 60-70-80-90 लोग वरिष्ठ कांग्रेसी लोग जो नाराज थे वो बैठ गए, सिर्फ नए लड़कों के द्वारा कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उन्होंने उपयोग किया है। वरिष्ठ कांग्रेसी तो खैर जो है घर बैठ गए, लफड़ा क्षेत्र में हो, चाहे अंजनिया क्षेत्र में हो, चाहे बिछिया क्षेत्र में हो, चाहे घोटास क्षेत्र में हो, चाहे मवई क्षेत्र में हो, चाहे घुघरी क्षेत्र में हो, जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं वो अपने आप बैठ गए। अपने आप को जो है मान सम्मान नहीं मिलना, प्रत्याशी के द्वारा सम्मान ठीक ढंग से नहीं देना, पूछ परख नहीं करना, इसका भी मूल कारण है कि सिटिंग MLA या सत्ता परिवर्तन होने का पूर्ण, मैं तो आश्वस्त हूँ कि अब की बार बदलाव होगा और नया चेहरा आएगा, और नया चेहरा में कौन है, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी भाई कमलेश तेकाम है, वो अच्छे वोटों से विजयश्री होगा, ये आश्वस्त मैं खुद हूँ और आश्वस्त भी हमारे कार्यकर्ताओं को करवाता हूँ। आप पहले कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, तो आपको बिछिया की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जनताओं और जनता पब्लिक के बीच में आपका ज्यादा रहा है लगाव जी, तो उनके बारे में आपको ज्यादा अनुभव है कि क्या और कहाँ और किस चीज की कमी और क्या इनसे चूक हुई है, किनसे चूक हुई है।
कांग्रेस सिटिंग एमएलए से, कांग्रेस सिटिंग एमएलए से तो वरिष्ठ कांग्रेसियों को कुछ परख नहीं किया, ये बहुत बड़ी चीज हुई है। और इनका जो जहां जहां इन्होंने गैंती कुदाली और नारियल और ये माचिस अगरबत्ती का उपयोग किया है, ये झूठे आश्वासन से उन्होंने कहीं रंगमंच के नाम से स्मारक बनाने के लिए मंदिर यहाँ जयंतीपुर आदरणीय जोश सिंह ठाकुर खुद उन्होंने मेरे को बताया कि भैया बोले जो है विधायक के द्वारा यहाँ पर गेती नारियल का बुलवा लिया, भूमि पूजन करवा लिया, मेरे ही बिल्कुल घर के किनारे में है हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ हम जो है इसका जीर्णोद्धार करेंगे, मंच बनवाएंगे करके गेती कुदाली से भूमि पूजन करवा लिया और 2-3 साल हो गया। मेरे को बड़ा अपने आप को बेइज्जती महसूस होता है। उन्होंने खुद आदरणीय श्री जोश सिंह ठाकुर ने बतलाया इसी तरह जो है मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग में इंदु ठाकुर के किराना दुकान के बाजू में वहां अभी गणेश जी की मूर्ति स्थापना करते हैं, दुर्गा जी की मूर्ति स्थापना करते हैं, खाली जगह है। वहां महाराणा प्रताप जी का क्षत्रिय राजपूतों के नाम से वहां पे पूरा स्मारक बनाएंगे करके उन्होंने जो है वादा किया और वहां भी गेंती कुदाली नारियल सब फूट चुके, इसके बावजूद भी उन्होंने जो है अभी तक की खोज खबर नहीं थी। इसका जो है इतना पब्लिक तो इसका जरूर जो है हुआ होगा। ठीक है, जी थे हमारे साथ पूर्व कांग्रेस के विधायक तुलसीराम धूमकेतु जी। अब कुछ क्षेत्रीय लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या रुझान क्या है बिछिया विधानसभा का। बिछिया विधानसभा का इस बार रुझान बहुत बढ़िया है और इस बार ऐतिहासिक जीत गोंडवाना गठबंधन पार्टी की होने वाली है। और पहली बार जो हमने देखा है कि मतदान जितना ज्यादा जो पड़े हैं और जो लोगों में रुझान देखा गया है बहुत जरूर से ज्यादा आकर्षित होकर लोग भाजपा से भी हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग हुए हैं और कांग्रेस से भी पार्टी में हमारे ज्वाइनिंग लिए हैं। लोकल इंजीनियर से कांग्रेस पदाधिकारी जैसे लोग भी हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग लिए हैं। नहीं तो एकदम से कांग्रेस और भाजपा से मोह भंग होकर या उनको छोड़ के गोंडवाना में आने का कारण क्या है लोगों का? आने का कारण ये है कि प्रत्याशी हमारा बहुत बढ़िया है, पार्टी के सबका मान सम्मान का अच्छे से ख्याल रखती है और सबको लेकर चलने वाली पार्टी हमारी, इसलिए सभी लोग हमारी पार्टी को पसंद करते हुए और पार्टी बनी है और बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, आप किस क्या उम्मीद है और किस उम्मीद से आप निर्दलीय लड़े थे? सर मैं मंडल विधानसभा से रहा और जिस प्रकार से जो हमने चुनाव में माहौल देखे प्रचार प्रसार में, तो हमें यही लगा कि प्रचार प्रसार के माध्यम से जो हमारे युवा वर्ग जिस प्रकार से बेरोजगारी की आप देख रहे हैं मंडला में, युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जिस प्रकार से हमने 3 दिवस मेडिकल कॉलेज के लिए भी तमाम युवा हमारे मिलकर के और हमने मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर के 3 दिवसीय अनिश्चितकालीन धरना किए थे और जब धरना किए तब जाकर के यहाँ की तत्कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उन्होंने जाकर के जायजा लिए और मेडिकल कॉलेज का वहाँ पर उद्घाटन हुआ, 2-3 बार हुआ ऐसा। मतलब हमने काम किए हैं और हमारे काम पे हमको विश्वास है कि हम यहाँ की मंडला की जनता से विश्वास करते हैं कि 79% समथिंग यहाँ की जो वोटिंग हुई है और यहाँ की जो जनता नया चेहरा देखना चाहती थी, इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे जनता के बीच में खड़े हुए और उनकी सर रहते और रहेंगे। ये तो आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े? हमने मुद्दा यही है कि मंडला के अंदर मंडला 52-57 परगना का गोंडवाना का जो राजधानी रहा करता था, परंतु इस बार हमने ये देखे कि यहाँ पे हमेशा जो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और लड़के जाते हैं, परंतु यहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई नजर आई। जब से हमने हमारे युवा व्यवस्था को संभाले तब से हम यहाँ देखे कि यहाँ की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था तमाम प्रकार की व्यवस्था, और हमने जनता के बीच में बहुत सारी ऐसे विडंबनाएं हमने यहाँ पे खड़े हैं, ताकि अगर आशीर्वाद रहेगी और हम आएंगे तो बिल्कुल उन व्यवस्थाओं को संवैधानिक व्यवस्था अनुसार व्यवस्थित रखेंगे। जी, तो जीते निर्दलीय प्रत्याशी मंडला विधानसभा से और हमारे साथ ही निवास विधानसभा से प्रत्याशी हैं
आप किस पार्टी से प्रत्याशी हैं? मैं दीन में मरावी गुणवाना गठबंधन बहुजन समाज पार्टी गठबंधन विधानसभा निवास क्षेत्र 100% प्रत्याशी। तो क्या आपको क्या लग क्या रहा है कि देवास विधानसभा में, क्योंकि आपके सामने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं और कई बार के सांसद भी रह चुके हैं, उनके साथ आप कैसे फाइट किए? कैसा फाइट है, यह है कि गांव में जाकर जो है जिस तरह से अपने लोगों के लिए हर समय उनके हर समस्या और मुसीबतों में खड़े रहे और इसके साथ जो है वहाँ की जो आवश्यक जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो है हम चुनाव मैदान में थे, लेकिन यही है कि हमारे साथ अंत भी हुआ बहुत। क्या क्या राजनीतिक षड्यंत्र क्या हुआ? अब यही है कि अभी तक हमने जो है गुणवाना गठबंधन पार्टी जो है 15 सालों से जो है आरी छाप करके हमने जो है जनता में जो है प्रचार करते रहे और इसके साथ जो है चुनाव आवंटित होने के पूर्व तक मैंने जो है प्रचार किया और पूरा सामग्री जो है छपा लिया, झंडा बैनर पंपलेट से लगा के सकता है दिन जो है हमारा चिन्ह गायब कर देते हैं और 3 इंसानों का छाप जो है देकर मुझे मैदान में चुनाव में उतारा जाता है। जब तक हमारा कार्यकर्ता तो हतोत्साहित था, हम भी थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर हुए, लेकिन हमने जो है फिर कड़ी मुकाबला करते हुए हमारे जो गुणवाना के कार्यकर्ता थे सभी ने जो है अच्छा मेहनत किया और आज यह स्थिति है निवास विधानसभा क्षेत्र में कि जो है सत्ता पक्ष नहीं कह पा रहा है कि हम जीत रहे हैं, भाजपा न कांग्रेस कह पा रहा है कि हम जीत रहे हैं, सब दबे मुंह से एक स्वर से लोग भी यह मानने लगे हैं कि गुणवाना गठबंधन पार्टी जो है निवास विधानसभा जीवन मरावी निकाल रहा है। मतलब आप इतनी मेहनत इतनी कर दिए कि त्रिकोणी कर दिए हो क्या? हाँ वो तो है ही है, त्रिकोणी है और हम आगे हैं और हम जितने भी बोर्ड से है हम बहुत यहाँ निकालेंगे निवास में और ये चीज को जो है लोगों ने देखा भी है कि हमने जो है जिस तरह से हमारे मेहनत किया है कि देश के अंदर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है निवास है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, लेकिन जो है इतना दूर तक जो है जाने में हम कम समय में 1 सप्ताह यानी 7 दिनों में ही जो है हम उस चिन्ह को लेके लोगों के बीच में गए, जितना लोगों की समझ में आए जरूर उन्होंने हमको अच्छा वोटिंग किया है। बम्पर को सबसे ज्यादा प्रतिशत वहाँ जो गणना वो क्या वोटिंग हुआ है वो अच्छा हुआ है निवास विधानसभा क्षेत्र में। जी तो हमारे साथ थे देवेंद्र मरावी जो निवास विधानसभा से गुणवाना गठबंधन पार्टी के प्रत्याशी थे कि हमारे साथ छल हुआ है क्योंकि कम समय में इनका आरी छाप से निशान चेंज कर दिया गया था, नागरिक तो नागरिक छाप दे दिया गया था, तो इनका आरोप है कि हमारे साथ छल हुआ है। तो और भी कुछ लोग हैं, आप तो किस विधानसभा से हैं? निवास विधानसभा से। क्या रुझान क्या है प्रत्याशी कि हम जीत रहे हैं? जी जी। आप बताएं, आज आप जनता वहां तो टोटल त्रिकोणी मुकाबला का वो है और अपन तो जो कहना है कि गुणवाना गठबंधन पार्टी के भी सदस्य हैं और हमारा पार्टी का कार्यकर्ता लोग बहुत मेहनत किए हैं। तो आपको क्या लग रहा है? अब सर वो तो मतगणना दिन के बाद चल पता मेहनत किए नहीं, रुझान 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 क्या लगा आपको? रुझान सर वहां देखा जाए तो त्रिकोणी मुकाबला है। आपको क्या लगता है त्रिकोणी मुकाबला में आगे हो आगे आगे किस किस नंबर पे हैं आप त्रिकोणी मुकाबले में? प्रथम। जी क्या कहना है कि हम प्रथम है? अब हमारे साथ और भी हैं, आप किस विधानसभा से? निवास विधानसभा में। और आप राजनीतिक बहुत पुराने हैं राजनीति के मामले में, तो आप क्या इस रुझान आपको क्या लग रहा है निवास विधानसभा बिछिया मामला के? देखिए क्या है, अभी तक जो है पूरे भारत देश में जब भी कोई आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहले गुणवाना गठबंधन पार्टी ही कदम बढ़ा के उनके सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जितने भी ज्ञापन या जो भी विरोध प्रदर्शन होता है गुणवाना गठबंधन पार्टी के द्वारा ही होता है। इस वजह से सारे ट्राइबल के लोग चाहे मंडला विधानसभा हो चाहे बिछिया हो, इन सब चीजों को देखते हुए सभी आदिवासी साथ में SC ST OBC सभी लोगों का कदम से कदम मिला के साथ दिए हैं और हम मेरा पूरा
मानना है कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सीट आएंगी। बिछिया निवास और मंडा में सुरेंद्र सिरसाम जी लड़े, वो भी हर वक्त अन्याय अत्याचार के लिए कदम से कदम मिला के चले हैं, उनका जरूर फायदा मिलेगा। जी जी, तो अभी आपको क्या कहां कहां से आपकी सीट निकल रही है? देखिए अभी तो एक नंबर में बिछिया है और दूसरा में निवास है, क्योंकि निवास में फग्गन सिंह कुलस्ते जी 35 साल की राजनीति में कुछ भी अगर एक भी कोई ऐसे कुछ काम या कुछ ऐसे चीज बताया जाए कि ये चीज करके दिए समाज के लिए या यहाँ के रोजगार या शिक्षा या व्यवसाय, अगर ऐसा होता तो पलायन के लिए लोग बाहर जाते नहीं। यानी इसीलिए जो है हम जहाँ तक हो सके लोगों के बीच में बात भी डाले, गीत के आते हैं तो हम ही काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। इन सब मुद्दों को लेके हमने क्षेत्र में काम किए और लोगों का रुझान मिला और हम जीतेंगे। जी जी, तो हमारे साथ जो थे बिछिया विधानसभा से, निवास विधानसभा से, मंडला विधानसभा से, तो आप किस विधानसभा से हैं? मंडला विधानसभा से। आपका क्या मानना है? कार्य मैंने किया है बिछिया विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए वहाँ का युवा वर्ग जो आज की तारीख में सत्ता पक्ष भाजपा और वर्तमान विधायक नारायण पट्टा जी के खिलाफ में मतदान किए युवा मतदाताओं का पूरा भरोसा है और अच्छी पोजीशन है। तो मतदान तो हुआ है, बम्पर मतदान हुआ है, आपको क्या लग रहा है? यहाँ से गोंडवाना गठबंधन पार्टी के माननीय कम्युनिस्ट कांग्रेस का जितना लगभग तय है। जी जी, तो जो हमारे साथ सभी लोग थे जिनसे हम रुझान जानने की कोशिश किए, अपना अपना मत रखे सभी लोग। मंडला से सलीम खान, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।